गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी ईवीएस की क्लास। ओके, तो ईवीएस की क्लास में हम अपने ईवीएस की क्लास में हम कुछ दिनों से देख रहे हैं अपना लेसन नंबर 13, वेदर एंड सीजन। तो वेदर एंड सीजन में हमने तो बहुत कुछ देखा। हमने क्या क्या देखा? हॉट डेज कैसे होते हैं, उसके बाद हमने देखा कोल्ड डे, ओके, देन हमने देखा था क्लाउडी डे, एंड उसके बाद कल के क्लास में हमने देखा था अ रेनी डे, ओके। उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे विंडी डेज। तो विंडी डेज कैसे होते हैं वो अभी हम जानेंगे, ओके। तो सबसे पहले आप अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकालो, देखो पेज नंबर 59। तो देखो विंडी डेज में क्या है, अ विंडी डे, द वेदर मे बी वार्म और कूल ऑन अ विंडी डे। क्या होता है कि पहले तो हम विंडी डे का मतलब क्या होता है वो समझ लेते, ओके। तो विंडी डे का मतलब क्या होता है कि तूफान के दिन। देखो ना, विंडी डेज में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन क्या होता है, तूफान आ जाते हैं। तो उन दिनों को हम बोल सकते हैं तूफानी दिन। मतलब देखो ना, कभी कभी क्या होता है कि मतलब कभी भी किसी भी टाइम पर तूफान आ जाता है। तो ऐसा मतलब उन दिनों में वो जो दिन होते हैं वो पतझड़ के भी दिन हम बोल सकते हैं उनको, ओके। देखो आगे, स्ट्रांग विंड ब्लो ऑन अ विंडी डे। मैंने बोला अभी, तो ये जो विंडी डेज होते हैं यानी कि तूफानी दिन होते हैं, तो उन तूफान के दिनों में क्या होता है कि ये जो विंड है, विंड यानी कि हवा, पता है आपको, तो ये जो हवा है वो बहुत ज़्यादा तेज चलती है। तो उन दिनों को हम बोल सकते हैं विंडी डेज, ओके। देखो आगे, व्हेन विंड ब्लो ऑन हॉट डे द वेदर बिकम हॉट। देखो जब ये जो विंडी डेज है यानी कि जब ये जो विंड है वो जब बहुत जोर से चलती है, यानी कि हॉट डेज में जब विंड जोर से चलती है, तो उन दिनों को यानी कि उन दिनों का जो मौसम है, जो वेदर है, वो कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। समझ में आया क्या आपको कि जब हॉट डेज में विंड जोर से चलता है तो उन दिनों में मौसम भी कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। कौन से दिनों में? हॉट डेज में। व्हेन विंड ब्लो ऑन अ कोल्ड डे द वेदर बिकम कोल्ड। देखो और जब मतलब ठंडे, देखो ना मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको कि विंटर के दिनों में जब विंड आती है, मतलब देखो ना विंटर के दिनों में भी क्या होता है, विंडी डेज हो सकते हैं। तो विंटर के दिनों में भी अगर कभी तूफान आए तो मौसम कैसा हो जाता है, ठंडा यानी कि कूल हो जाता है। समझ में आया आपको, अगर विंडी डेज समर में आते हैं तो तूफान के, जब विंडी डेज समर में आते हैं तो वेदर कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। और यही विंडी डेज जब विंटर में आते हैं तो वेदर कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, ओके। समझ में आया क्या आपको? तो ये आपको पहले तो अच्छे से समझना है। तो विंडी डेज का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि विंडी डेज का मतलब होता है तूफानी दिन। और ये जो तूफान है वो किसी भी सीजन में आ सकता है, ओके, किसी भी सीजन।